अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही सॉफ्ट सा ब्राइडल लुक आई मेकअप जो है वो शेयर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आई मेकअप शुरू करने से पहले जो है हमें अपनी आईब्रोज को अच्छे से स्पूली की मदद से कॉम्ब कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें आईब्रो फिलर के साथ इसकी जो है वो फिलिंग करनी है। जहाँ गैप नज़र आ रहा है उस जगह आपने थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगाना है और उसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड करना है, ठीक है। बहुत लॉन्ग आईब्रोज जो हैं वो आपकी आई को मज़ीद और छोटा दिखाना शुरू कर देती हैं, इसलिए हम आईब्रो को जो है वो बहुत आगे तक लंबा नहीं लेकर जाते, ठीक है। तो अच्छे से जो है वो आपने स्पूली से कलर अप्लाई करने के बाद स्पूली की मदद से जो है वो प्रोडक्ट की इस तरह से ब्लेंडिंग करनी है ताकि आपकी आईब्रोज बिल्कुल नेचुरल दिखें। और अब अपनी आईब्रो को जो है वो ऊपर से अच्छे से स्ट्रेच करें और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर अपना कंसीलर अप्लाई कर लेंगे। कंसीलर लगाने के बाद पाउडर अप्लाई कर लिया और अब मैं ब्राउन कलर का जो है वो यहाँ पे सबसे पहले कंटूर करेंगे। और कंटूर को देखें, मैं नोज़ के पास तक लेकर आ रही हूँ, इनर कॉर्नर से बाहर निकाल कर जो है वो मैं कंटूर कर रही हूँ। और उसका रीज़न ये है कि आज हम जिन आईज़ पे काम कर रहे हैं वो छोटी आईज़ हैं, और अगर आप आगे तक इस कलर को लेकर जाएंगे नोज़ के पास से तो आईज़ काफ़ी लंबी दिखेंगी। और यहाँ पर रेड कलर जो है वो मैं ले रही हूँ। रेड कलर को मैंने छोटे ब्रश के साथ, यानी कि मैंने साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा कर लिया और वह बुलेट ब्रश लिया है मैंने, और इसके साथ जो है वो मैं मसलन रेड कलर की एप्लीकेशन कर रही हूँ। जितना मुझे रेड कलर का पिगमेंट चाहिए उतना ही हमें कलर उठाना है और यहाँ पर अप्लाई करना है। एक बार में हम बहुत ज़्यादा कलर को उठा के नहीं अप्लाई कर सकते, इसलिए मैंने थोड़ा कलर लगाया, उसको ब्लेंड किया और फिर बार बार थोड़ा थोड़ा कलर लेकर मैं उसे ब्लेंड करती रही। अब मैं येलो कलर के साथ जो है वो रेड कलर की इस तरह से जो है वो ब्लेंडिंग करूँगी, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा दिखाना चाह रही हूँ कि मेरी आईज़ के अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की क्रिएशन हुई है, ठीक है। तो यहाँ मैंने येलो कलर को भी जो है वो यूज़ कर लिया हुआ है, और येलो कलर की मैं बिल्कुल जो हमारा रेड कलर का कॉर्नर है उसकी ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत लगता है। अगेन फिर से मैं वही रेड कलर ले रही हूँ और उसके साथ अगेन से फिर से, क्योंकि उसकी जो रेड कलर का पिगमेंट था थोड़ा येलो कलर लगने से डल नज़र आ रहा था, तो मैंने अगेन रेड कलर के साथ उसे इन्हेंस कर लिया। यहाँ पर ये ब्लैक कलर लूँगी मैं, और ये मेरा वही ब्रश है जिससे मैंने अभी रेड कलर अप्लाई किया है, ठीक है। और इसे मैं कॉर्नर पर अप्लाई करके और उसकी जो है मैं ब्लेंडिंग आगे की तरफ जो है वो करूँगी। और ये देखें कितना मज़े से जो है वो हमारे कलर्स की जो है वो ब्लेंडिंग हो रही है। अभी हमें मज़ीद और बहुत सारे कलर्स इसमें जो है वो डालने हैं, तो वीडियो को देखते रहिएगा और लाजमी कमेंट भी करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अब हम क्रीज़ बना रहे हैं, जो हमारी हुडी डाइज होती हैं इसकी क्रीज़ जो है वो अगर आप बना लेते हैं थोड़ी ऊपर से तो आईज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगना शुरू हो जाती हैं। अदरवाइज़ आईज़ ऊपर से जो है वो आँख पर गिरी गिरी नज़र आती है, जिससे आईज़ की वो खूबसूरती नहीं आती है, ठीक है। इसलिए हुडी डाइज को लाजमी है कि आप थोड़ा क्रीज बनाकर तो फिर जो है वो ब्राइडल का मेकअप करें। ये मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया अगेन फिर से, और कंसीलर को जो है वो मैं वहाँ तक लेकर जाऊँगी जहाँ तक हमें अपने वेलवेटी शेड या ग्लिटर्स को यूज़ करना होता है, या जहाँ तक हमें अपनी क्रीज बनानी होती है। पाउडर के साथ हल्का हल्का मैं जो है वो इसको फिक्स कर दूंगी, ठीक है। और फिक्स करने के बाद अब मैं, चाहें तो आप यहाँ डिफरेंट ग्लिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं जो है वो बेज कलर में, हमारे पास थोड़ा सा वेलवेटी शेड है,
ठीक है। ये बीबी है यानी ब्यूटी फाइव अमना का पैलेट है मेरे पास, उसमें से मैंने ये कलर उठाया और इसका पिगमेंट बहुत मज़े का है। जस्ट टच करते ही आपकी आई के ऊपर ये बड़ा अच्छा जो है वो कलर दे रहा है, बहुत अच्छा शाइन कर रहा है। तो इसे मैं इस तरह से जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर लूँगी और मैं फिंगर ही की हेल्प से, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं फिंगर के साथ कलर्स की ब्लेंडिंग करती हूँ तो कलर्स जो है वो फटाफट से जो है वो यूज़ हो जाते हैं। सबसे मज़े की बात ये होती है कि हमारा काम जल्दी से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्रीज लाइन को नीट करने के लिए ब्रश का भी मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारी क्रीज लाइन थोड़ी ऊपर तक नज़र आए और हमारी आइज़ एकदम से जो है वो बड़ी नज़र आए, ठीक है। अब देखिए जहाँ तक हमने लाइट कलर की क्रीज बनाई है वहाँ तक हमारी आइज़ एकदम से खुली और खूबसूरत नज़र आना शुरू हो गई है, और जो बीच में एक अलहदा से हुड नज़र आ रहा था गिरा हुआ वो भी अब इतना इन्हेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। और आप खुद देखें कि आइज़ के ऊपर कितने ज़्यादा रिंकल्स हैं, हुडी आइज़ का यही प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए इसको बड़ा केयरफुली आपको जो है वो काम करना होता है। मैं येलो कलर की अगेन फिर से जो है हल्की सी ब्लेंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि कलर्स जहाँ भी लगता है कि हमारी ब्लेंडिंग के दौरान कम या ज़्यादा हो गई आपको दोबारा से जो है वो उन्हें लगा के ब्लेंड कर लेना चाहिए। आई के अंदर मैं जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ काशियस ब्रांड का, और अच्छे से जेल लाइनर लगा कर आइज़ के बाहर भी मुझे एक छोटा ब्रश चाहिए जिसकी मदद से मैं इसकी जो है वो इस तरह से ब्लेंडिंग कर दूँगी। बाद में फिर ब्राउन पाउडर के साथ भी मैं इसकी जो है वो ब्लेंडिंग कर दूंगी ताकि हमारी ब्राइडल का आइज मेकअप जो है वो परफेक्ट रहे और कुछ ही देर के बाद जो है वो फैलना नहीं शुरू हो जाए। तो मैं यहाँ ब्राउन कलर ले रही हूँ और उसके साथ अपने जेल लाइनर की जो है वो ब्लेंडिंग करती चली जा रही हूँ। अब मैं मस्कारा यूज़ करूँगी, ठीक है। मस्कारा आपने अच्छे से अप्लाई करना है क्योंकि ऑलरेडी भी हमारी इस मॉडल की आइज़ के ऊपर मस्कारा लगा हुआ था। तो अगर आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो कि आपके क्लाइंट पहले आईब्रोज पे मस्कारा आई लैशेज पे मस्कारा लगाओ तो आपको चाहिए कि मेकअप रिमूवर के साथ उसे साफ़ कर लें, वरना फिर इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि जो लैशेज होती हैं वो जुड़ी जुड़ी होती हैं और फिर उनको कॉम करने में काफ़ी टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। बाहर आर अच्छे से अपनी आई लैशेज पर आपको जो है वो मस्कारा अप्लाई कर लेना है। और अब मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ, लाइनर मैं इनर कॉर्नर से भी थोड़ा सा बाहर निकालूंगी और आउटर से भी मैं थोड़ा सा विंग जो है वो बनाऊंगी, क्योंकि इस आई पे जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ठीक है। और मैं अच्छे से जो है वो ब्लेंड करके तो यानी कि यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये नहीं किया है कि एक ही दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी लाइनर उठाऊँ और ज़्यादा सा अप्लाई कर दूँ, तो इस तरह से जो है वो प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं होती है, बिल्कुल लाइंस पड़ी नज़र आती हैं, वो फिर पील ऑफ भी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें बिल्कुल थोड़े थोड़े से प्रोडक्ट के साथ काम करते हुए जो है वो अपना लाइनर जो है यहाँ पर अप्लाई करना है, और इनर कॉर्नर से भी मैं हल्का हल्का बाहर निकालूंगी। इससे हमारी आई जो है वो काफ़ी लॉन्ग और काफ़ी जो है वो पहले से बड़ी नज़र आना शुरू हो जाती है। ये हमारा प्रॉपर जो है वो लाइनर लग रहा है, और लाइनर मैं जो यूज़ कर रही हूँ ब्लैक लाइनर है वाटरप्रूफ काशिस ब्रांड का, ठीक है। तो इसको जो है मैं लगा के इस तरह से विंग बाहर की तरफ निकाल रही हूँ, ये प्रॉपर हमारा जो है वो आई मेकअप तकरीबन कंप्लीट होने ही वाला है। आप ये देखें कि सिंपल भी बहुत खूबसूरत लग रहा है ये वाला मेकअप, ठीक है। अगर आप ऐसे भी रखना चाहें इस मेकअप को तो आप रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कलर्स की क्रिएशन हम लोगों ने इसमें कर ली हुई है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस पर थोड़ा बहुत ग्लिटर को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ग्लिटरी आईज मेकअप मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया हुआ है, तो आज मैं बहुत ज़्यादा इस पर ग्लिटर यूज़ नहीं करूँगी। इनर कॉर्नर से मैं थोड़ा सा का जो है वो आई लाइनर को बाहर निकाल के और फिर मैं इसका कॉर्नर जो है वो इस तरह शार्प थोड़ा कर रही हूँ, ये बहुत खूबसूरत लगता है। और ये काशिस ही का डायमंड ग्लिटर है जिसको मैंने जस्ट हल्का सा दो चार नुक्ते जिसे कहते हैं डॉट्स जिसे कहते हैं वो मैंने अप्लाई किए हैं। मैं बहुत ज़्यादा ग्लिटरी मेकअप नहीं कर रही हूँ, जस्ट शाइन के लिए हल्के से मैंने दो तीन जो है ये डायमंड ग्लिटर के फ्यू जो है वो यानी कि चंक्स लगाए हैं। ये पाउडर होता है एक तरह से, ठीक है। तो इसको मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है और अब मैं लैशेज अप्लाई कर रही हूँ। मज़े की प्यारी सी इनको जो है वो लैशेज लगाएंगे, 3D लैशेज इनको जो है वो अप्लाई करेंगे। इसका भी बड़ा रोल होता है हमारे आई मेकअप को बहुत ज़्यादा हसीन खूबसूरत दिखाने में। तो ये हमारी जो है वो आई लैशेज जो है वो यहाँ पर लग चुकी हैं, और अभी लैशेज जब लग जाती हैं तो हमारी ग्लू जो है वो लैदा सेपरेट से वाइट वाइट नज़र आ रही होती है। तो इसे हाइड करने के लिए अगेन आपको जो है वो लैशेज को एक दफ़ा जो है वो लगा लेना चाहिए, उससे ज़्यादा जो है वो जो लैशेज ग्लू नज़र आ रही होती है वो छुप जाती है। और लैशेज लगाने के बाद अगर आपको चाहिए कि आपको फील होता है कि आपका लाइनर छोटा यानी कम है, आपको ज़्यादा मोटा चाहिए या कुछ भी, तो उसको भी आप इसी पोजिशन में जो है वो दोबारा से
लगा सकते हो। ठीक है, लैशेज लगाने से पहले भी आपको लाइनर अप्लाई करना है और लैशेज लगाने के बाद भी आपको एक दफ़ा लाइनर को नीट करना है। ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी हुडेड आइज़ के ऊपर हमने मेकअप किया है और कितनी अच्छी बड़ी और लंबी इनकी जो है वो आइज़ लुक जो है वो नज़र आना शुरू होगी। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट ब्राइड का यही वाला मेकअप आप कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी जो है वो बताइएगा कि आपने मेरा वीडियो ट्यूटोरियल देखकर कोई बड़ी मज़े की जो है ब्राइड रेडी की है। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।